मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। मारुति सुजुकी विदेशों में 30 लाख कारें निर्यात करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मारुति ने अक्टूबर महीने में 33,168 कारों का निर्यात किया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। टू मेक श्योर दैट वी आर सेल्फ रिलायंट इन व्हाटएवर वी डू फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ब्रिंग प्रोडक्शन बैक इनटू इंडिया एंड दिस व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन डूइंग फॉर द लास्ट 10 प्लस इयर्स। के चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। भारत क्यों जाना चाहते हैं? चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी। इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से फोर्थ रैंक पे आ रहा है, यानी कि वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बड़ा अच्छा जो है वो पहले नंबर पे आता है बस मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रक्स हैवी ट्रक्स मेकिंग में वो सबसे आगे जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अंदर जाएंगे यूरोप के, और चाइना ये नहीं चाहता कि 2024 में इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिल जाए कि 2025 में इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली टाटा नंबर वन पे, नंबर टू पे महिंद्रा, ये जाके दुनिया भर में चाइनीज की जिसको ना वाटना लगा दें लोग जाके वहां पे। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त इंडिया, तो वहां पर हर कोई जाना चाहता है। और जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने भारत के द्वारा फोर व्हीलर वाहनों के एक्सपोर्ट की खबर तो सुनी ली होगी, आंकड़े भी देख ली होगी। जिस स्पीड से इस समय भारत में डीजल कार और इलेक्ट्रिक कार, तो अभी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कन्वेंशनल कार होती है, जो डीजल से चलने वाली मॉडल होती है, वो कार भारत इस समय बहुत स्पीड से बना रहा है और बड़ी बड़ी कंपनी बना रही, ठीक है। इसके बाद अफ्रीकन मार्केट को, जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड नहीं चला, अफ्रीकी मार्केट जो कि वहाँ पे डीजल पेट्रोल एज कम्पेयर सस्ता भी होता है क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पे भी वहाँ डीजल पेट्रोल पाया जाता है, वहाँ पे कैटर करने को सोच रहा है भारत और रिकॉर्ड बना ही दिया पिछले अक्टूबर के महीने में, ठीक है। हर साल दर साल, मैं तो कहूँगा मंथ दर मंथ, भारत की जो फोर व्हीलर की एक्सपोर्ट है वो बढ़ती जा रही है। और ये नहीं है कि भारत में विदेशी कंपनी फोर व्हीलर बना के सेल कर रही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। टाटा मोटर्स और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो भारत की है, या ऐसी कंपनी जैसे हीरो होंडा टाइप, मारुति सुजुकी टाइप, जिन्होंने विदेशी कंपनियों के साथ मर्जर किया हुआ है, वो एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, इससे भारत का फायदा हो रहा है। अगर भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भी इतने डोमिनेंस के साथ कार बनाने लगा तो चाइना खतरे में आ जाएगा, इसलिए चाइना कंसर्न है इसके बारे में। से पता ये चलता है कि चाइना घबरा गया है, घबराना नहीं है, चाइना घबरा गया है कि अभी तक चाइना एशिया का टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता था। ये बात तो ठीक है, अपनी जगह पर है, डेकेड से अगर कोई टेक्नोलॉजी में पावर हाउस एशिया को चलाने वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना जो है पहुंचाने वाला वो था, तो चाइना था ना। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। अगर उसको ये परेशानी ना हो तो उसको ये मीटिंग करके अपने ऑटोमेकर्स को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जिसमें रिपोर्टेडली ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि ऑटोमेकर्स इंस्ट्रक्शंस उनको दी टू नॉट टू मेक एनी ऑटो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। कि एक तो ये कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए, और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर ऑटो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ना की जाए। अब इसके अंदर ये है कि ये जो बीजिंग की एफर्ट है, ये जाहिर है कि सेफ गार्ड है उसके अपने लिए, जो कि ख़ास तौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है, और गाड़ियाँ अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते हैं कि उनके घर एक ना एक गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि चाइनीज़ ऑटोमेकर्स जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं ग्लोबली, इससे इनकार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बात हम नहीं कह सकते ना कि चाइना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि चाइना एशिया का टेक जायंट, एक पावर हाउस के तौर पर डेकेड से रूल करता रहा है।
लेकिन अब इस वक्त क्योंकि उसके सामने इंडिया आ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक ही ऐसा कंट्री है, एक ही ऐसी पावर है कि जो उसको इसके अंदर टफ टाइम दे सकती है और दे रही है, इस वजह से उसको पसीना निकल गए चाइना के, ये पसीना आ गया, घबराना नहीं और पसीना आ गया। और खानजी स्टील ग्रुप एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर 200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, उन्होंने सिर्फ 30 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरमेंट जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। जाएं देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, सी पैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने 30 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, हमने 5 लाख टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी और हम ये भी सोच रहे थे कि हम 200 मिलियन डॉलर और डालेंगे और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी 5 लाख टन जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी, लेकिन वो कहते हैं पांच सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है। यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था लेकिन 15 लाख टन सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबले कबूल है। आप देखें उसके बाद आ जाएं, अब वो चाइनीज आप देखें, अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया और हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजलियां देंगे, अब वो कहते हैं कि हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जांपल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं, चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे। ये देखिए बात यह है कि जब आईफोन उठ के वहां से इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में जाता है तो खाने के लाले तो पड़ेंगे ना एक ऐसे कंट्री को कि जो अभी तक मोनोपोली थी, जिसकी जो सारा बना ही रहा था, अगर उसमें से 20-30% भी उसका बिजनेस कहीं और चला जाएगा तो उसके लिए तो खाने के लाले ही होंगे। अच्छा फिर ये है कि मीटिंग आल्सो एनकरेज चाइनीज कंपनीज टू एक्सपोर्ट नॉक डाउन किट्स व्हीकल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन चाइना दैट आर देन असेंबल्ड इन फॉरेन प्लांट्स। दिस अप्रोच अलाउ ऑटोमेकर्स टू अवॉइड टैरिफ्स ऑन चाइनीज मेड ईवीज, जबकि साथ ही वो अपना मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर कोर प्रोडक्शन प्रोसेसेस। ऑटोमेकर सच एज बीवाईडी कंपनी, चेरी ऑटोमोबाइल आर पुशिंग विद प्लान्स टू बिल्ड फैक्ट्रीज इन कंट्रीज लाइक स्पेन, थाईलैंड एंड हंगरी। अच्छा वो दूसरे कंट्रीज में, क्योंकि चाइना के जाहिर है कि उनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि दूसरे कंट्रीज तक अब पहुँचे और काफ़ी कंट्रीज में उनका ये चल रहा है, लेकिन उन्होंने टर्की को भी ये कहा है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर जिनके मुतालिक जिनके लिए बीजिंग में ये हिदायत ऑटोमेकर्स को दी गई हैं और उसमें सबसे बड़ा कंट्री जिसके लिए ये डायरेक्टिव आया है वो इंडिया है, तो इससे पता चलता है कि चाइना घबरा गया है। देखिए दोस्तों मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि भारत टक्कर दे रहा है चाइना को, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चाइना कहीं आगे, चाइना भारत से कहीं सस्ती बैटरीज बनाता है और यहाँ तक की खबर मैंने पढ़ी है क्योंकि खबर से जुड़ा रहता हूँ, तो भारत में जो कबाड़ी की भाव बैटरियां मिलती हैं उस रेट में चाइना बैटरी बना के भारत को बेच दे रहा है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चाइना से मुकाबला करना ये एक तरीके की बहुत मैं कहूँगा इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा, इसमें मान के चलिए नहीं नहीं भी तो 12 से 15 साल ले लेगा भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में चाइना की बराबरी करने। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट लेकिन कन्वेंशनल जो कारें चलती हैं डीजल पेट्रोल पे उसमें चाइना और जापान से ज़्यादा पीछे भारत नहीं है, ठीक है, काफ़ी हद तक भारत इनका पीछा करने में सफल रहा है पिछले 7 सालों में। खैर अभी भी भारत पीछे है लेकिन ये मैं कहूँगा 70% कैचअप कर लिया है भारत, क्योंकि जिस हिसाब से भारत का हफ्ता दर हफ्ता एक्सपोर्ट बढ़ रहा है अफ्रीकी मार्केट में और क्या नाम है ये जो ब्राज़ील वाले देश हैं, साउथ अमरीका वाले रीजन,
जिस हिसाब से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है काफी मिरेकल है और पूरी दुनिया इसको देख के दहली हुई है। क्यों? क्योंकि भारत सस्ते रेट्स पे प्रोवाइड करा रहा है यार। नाइजीरिया जैसे देश भारत से फोर व्हीलर एक्सपोर्ट करवा रहे, तो काफी प्राउड की बात है भारत के लिए। और मैं तो कहूंगा भगवान करे ऐसे ही भारत की इंडस्ट्री बूम करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।